तेलुगू अगर मैं मिला के तेलुगू पंजाबी ये सब मिला के कहूँ तो मैंने टोटल 5 मूवीज की हैं, उसके अलावा म्यूजिक वीडियोस, एड्स और काफी सारी चीज़। तो अभी आप ट्रैवल व्लॉग्स भी करते हो, लाइक जी आप काफ़ी जगह पे ट्रैवल भी करते हो, तो एक्सपेंस कैसे मैनेज कर रहे हो आप अभी? ओके, अब आप आए धीरे धीरे, अब आप जाओगे उस पॉइंट की तरफ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग इंटरव्यू में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं एक्ट्रेस टर्न यूट्यूबर ज्योति सेठी जी। मैम स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच मैम। ऐसा क्या खास लगा कि आपने यूट्यूब को फुल टाइम ले लिया और अपने एक्टिंग को स्विच कर वो कर दिया, आपने बंद कर दिया? सो जब मैं एक एक्टर थी तो आई नेवर रियली इन्जॉयड द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग। जब मैं किया करती थी आई वॉज हैप्पी, मुझे लगता था कि हाँ ठीक है मैं एक्टर हूँ, मैं खुश हूँ। बट टाइम के साथ साथ मैंने रियलाइज़ किया कि कैसे दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्टेड टू डू विद माई लाइफ। और ये तो मुझे डेफिनेटली पता चल गया था कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो मेरे लिए नहीं बना है और मैं इसको पूरी लाइफ आई थिंक कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। बट आई ऑलवेज इन्जॉयड बींग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मुझे कैमरा के सामने रहना हमेशा पसंद था। तो यूट्यूब गेव मी दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू नो मैं कैमरा के सामने भी रह सकती थी और अपनी मर्जी की मालिक थी, अपना खुद से क्रिएट कर सकती थी कंटेंट, और दैट्स हाउ आई स्विच्ड। अभी तक कितनी मूवीज करी है आपने? मैंने तेलुगू अगर मैं मिला के तेलुगू पंजाबी ये सब मिला के कहूँ तो मैंने टोटल 5 मूवीज की हैं, उसके अलावा म्यूजिक वीडियोस, एड्स और काफी सारी चीजें। आई थिंक आपकी एक म्यूजिक वीडियो वायरल हुई थी गिप्पी गेरवल के साथ, आई थिंक तो उसके वजह से आपको ज्यादा फेम मिला था? पहले सबसे पहले फेम मुझे उसी की वजह से मिला था, बिकॉज ऑब्वियसली इज अ वेरी बिग। सो इतना अच्छा सब चल रहा था, लाइक सब लोगों का सपना होता है कि मूवीज में काम करें, एक्टर बने, फिर आप बन गए, फिर उसके बाद आपने यूट्यूब में आपने खुद को स्विच कर लिया? हाँ वही, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ था लेकिन फिर भी मुझे था कि ये मैं नहीं करना चाहती हूँ। उसके आगे के जो पर्क्स जो सामने दिखाई देते हैं एक्टिंग के पर्क्स, वो सबको अच्छे लगते हैं दूर से, लेकिन व्हेन यू आर इनटू इट तो उसके साथ जितने बैगेजेस आते हैं, जैसे कि आपको लोगों को बहुत खुश रखना पड़ता है सिंपल भाषा में कहूँ तो, और यू नो बना के रखनी पड़ती है, आपकी पीआर बहुत स्ट्रांग चाहिए, सबके साथ पार्टी भी करनी पड़ती है ताकि लोग आपको याद रखें, वो आई एम नॉट अ वेरी सोशली प्रेजेंट पर्सन। मुझे ऐसे लगता है कि हाँ जिससे मेरा प्यार है मैं उसी के साथ बना के रख सकती हूँ, अदरवाइज जस्ट बिकॉज मुझे उससे काम पड़ सकता है दिखावे के लिए नहीं, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। और एक्टिंग में सल्यूट टू ऑल दोज पीपल जो सालों साल से ये कर रहे हैं, बट मेरे को लगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी तो मुझे लगा कि नहीं। एंड तो गाइस अगर आपको बता दें, मैम अभी फुल टाइम व्लॉगिंग करती हैं यूट्यूब पे, एंड मैम आपको कब लगा कि आपको फुल टाइम यूट्यूब करना चाहिए? आपने स्टार्टिंग से ही फुल टाइम किया कि नहीं? स्टार्टिंग में मैं ऑडिशंस वगैरह के लिए जाया करती थी, मैंने सोचा था कि मैं फिल्म्स अगर नहीं करती हूँ, वीडियोस जो भी म्यूजिक वीडियोस वगैरह ये मैंने सोचा कि मैं ये नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ एड्स करना शुरू कर देती हूँ। तो एड्स के ऑडिशंस पे मैं जाया करती थी और साथ साथ मैं यूट्यूब पे अपना ध्यान दे रही थी। बट आफ्टर अ व्हाइल आई रियलाइज्ड कि कोई भी काम अगर आप करते हो ना तो उसमें आई थिंक आपको जब तक आप पूरी शिद्दत से नहीं करते हो और पूरा तो उस पर अपना 24/7 नहीं देते हो, तब तक ना तो आपको इधर सक्सेस मिलेगी ना इधर मिलेगी। एंड आई वाज रियली रियली एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ यूट्यूब एंड द कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल दैट, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट यूट्यूब। वैसे भी जब मैंने शुरू करा था तो आई थिंक 300 सब्सक्राइबर्स थे लाइक कॉलेज के बाद, तो तभी मैंने फुल टाइम ले लिया था। एंड यू अभी सब कुछ सही चल रहा है एंड आप भी मैम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। मैं काफ़ी टाइम से मैम को फॉलो कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैम के साथ एक वीडियो करना ज़रूरी है आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए। मैम एक बात और जानना है आपसे कि सब लोग स्ट्रगल करते हैं मूवीज़ में जाने के लिए, तो आपका क्या स्ट्रगल रहा, आप उस चीज़ को अगर आप बताएं? सो मैं एक्चुअली एक्टिंग भी मेरा पहला प्रोफेशन नहीं था। मैं पहले मैंने बहुत सारे काम किए लाइफ में, मैं बहुत छोटी उम्र से काम में पड़ गई थी क्योंकि मेरे फादर नहीं थे तो हम लोगों को मेरे और मेरे भाई पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें घर चलाने नहीं कह सकते बट वी हैड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ फीलिंग इनसाइड कि हमें कुछ करना है। तो हम बहुत छोटी उम्र से कमा रहे थे, बट जैसे ही मैंने 12th अपनी पास की थी उसके बाद से मैं टीचिंग में चली गई थी, टीचिंग के बाद मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की, बट फाइनली जो मेरा मेन प्रोफेशन बना, पहला मेन प्रोफेशन, वो था वीज़ास। जैसे लोग जब बाहर जाना चाहते हैं किसी कंट्री में
तो आई यूज टू डील इन न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीजाज, तो आई वॉज विद न्यूजीलैंड के वीजाज. आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या? मैंने ग्रेजुएशन किया है. हाँ, तो ट्वेल्थ के बाद मैंने ये शुरू कर दिया था, और साथ साथ मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो प्राइवेट मैंने की है. तो उसके बाद जब ये मैं कर रही थी, तो एक दिन मुझे किसी ने, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसने बोला कि ज्योति तुम्हें फेसबुक पे मेरे किसी हमारे किसी म्यूचुअल कोई बंदा था उसने देखा है, एंड ही सेड कि तुम्हारा फेस बड़ा अच्छा है, तो ज्योति से पूछो ये जो लड़की है कि ये मेरे लिए एक फ़ोटोशूट करेगी क्या. तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं 9 to 6 जॉब वाली मैं कहाँ, एंड आई डिड नॉट रियली हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो इन मी कि मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ. तो मैंने मना कर दिया, बट अल्टीमेटली खैर किया. तो किया तो जब फोटोज़ आई तो वो तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो कोई और ही है, क्योंकि पहली बार प्रोफेशनल मेकअप किया था, पहली बार वो फ़ोटोशूट और वो प्रोफेशनल कैमरा के साथ. तो जब वो मैंने पिक्चर्स जो फ़ोटोज़ आई थी प्रोफेशनल, वो मैंने फेसबुक पे डाली. फेसबुक पे डालने के बाद कुछ लोग थे जिनको ऐसा लगा कि शायद मैं कोई एक्टर हूँ या मैं मॉडल हूँ कोई. तो उन्होंने मुझे मैसेज करना शुरू किया कि हमारे पास एक म्यूजिक वीडियो है, ये आप करोगे. तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही आसान है. किस मतलब की बात है? ये 2013 की बात है. तो 2013 में ये हुआ. तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, फ़ोटोज़ डालने से मेरे पास तो ऑफ़र्स पे ऑफ़र्स आ रहे हैं. तो मैंने अपना थोड़ा टाइम में अपनी जॉब छोड़ी और म्यूज़िक वीडियोस करना शुरू कर दिया. और बहुत जल्दी मुझे एक पंजाबी फिल्म भी मिल गई, जो एक्चुअली बनी नहीं बाद में, बट ऐसे आसानी से मुझे ऐसा लगा हो गया. और फिर ये हुआ तो उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, ये सोच के कि बाकी सब भी बहुत कुछ बहुत आसान है. तो जब आपको मैसेजेज आते थे कि आप एल्बम कर लो, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि फ्रॉड हो सकता है ऐसा कुछ? सबको नहीं नहीं, इतना तो इंसान के प्रोफाइल पे भी दिखता है कि उसने कितना काम किया. एंड जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी लाइफ में इतना तब तक काम कर चुकी थी कि मुझे लोगों की पहचान, मैं कोई 18 साल की छोई मोई लड़की तो थी नहीं जिसको कोई पागल बना लेगा. मैं ऑलरेडी उस टाइम पे 26 साल की थी. तो कितने साल आपने कंटिन्यू किया इस जर्नी को मूवीज की? फिर 2014 में मैं मुंबई आ गई स्टार्टिंग में, और 14 से 17 तक मैंने एक्टिवली एक्टिंग प्रोफेशन पे काम किया और 5 फिल्में की और जो भी मैंने बताया आपको. और 2018 में मुझे ऐसे लगा कि मुझे अब नहीं करना है ये. तो अभी आज तक भी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फ़ोन नंबर, मेरी ईमेल एड्रेसेस और मेरे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्री के हैं, तो आज तक भी मतलब नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, बट आई स्टिल गेट कॉल्स एंड स्टिल गेट मैसेजेस फ्रॉम पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री जो कहते हैं कि ये ऑफ़र है या आप ये फिल्म करना चाहोगे या ये शॉर्ट फिल्म है या कुछ. बट आई स्ट्रेट अवे से नो, क्योंकि मुझे अब उस चीज़ में पढ़ना ही नहीं. आई एम वेरी वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड कंटेंट विद माई यूट्यूब जर्नी. ओके, एंड एक और चीज़ होता है लोगों को जो इंडस्ट्री में नहीं रहते हैं, लाइक उनको लगता है कि बहुत अच्छा है, ग्लैमर है, फेम है, तो लोग बाहर से जो चीज़ देखते हैं, फिर अंदर जाके जैसे आपने आप उसमें खुद गए, तो फिर आपको कैसा लगा, डिफरेंस कैसा आपको फील हुआ? डिफरेंस यही था, देखो जब मैं इंडस्ट्री के बाहर थी एक्चुअली, तो मैं एज एन ऑडियंस ही इंडस्ट्री को जानती थी. मतलब मेरे लिए कुछ और मुझे पता ही नहीं था. मैं जब अपना पहला काम कर रही थी, पहले ही एक्टिंग जॉब कर रही थी, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है और डायरेक्टर का काम क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था. तो पहले मैं एज एन ऑडियंस ही, तो मैं इतना जानती नहीं थी, लेकिन जब मैं अंदर घुसी तो मुझे पता चला कि वाह यार, मतलब कितनी मेहनत है, और हर साल लाखों लोग मुंबई आते हैं और अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं. आई स्टिल फील वेरी लकी कि मैंने इतना काम किया, अच्छे खासे बड़े स्टार्स के साथ किया, और जितना किया मुझे बहुत सराहना मिली. बट काफ़ी फ़र्क था, दूर से जब आप देखते हो कोई भी चीज़ तो आपको उसकी अच्छाइयाँ ही दिखती हैं, लगते हैं कि अरे यार हम भी काश ही कर पाते. पर जब आप अंदर घुसते हो तो आपको उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब पता चलते हैं. तो अच्छा मैम, आपने बताया कि आपने तेलुगु मूवीज़ भी करी है, तो आपको लैंग्वेज आती थी, आपने सीखी या फिर कैसा? ना मुझे आती थी ना मैंने सीखी. मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी, मैं टॉपर स्टूडेंट्स में से रही हूँ जब मैं पढ़ा करती थी. तो मेरी जो ग्रैब करने की क्षमता थी या फिर याद करने की, रटने की, वो बहुत अच्छी थी. तो जब मुझे पूरे बड़े बड़े पेजेस दिए जाते थे तो मैं उनको सिर्फ क्रैम करती थी, रट्टा मारती थी, एंड ऑब्वियसली उनके मीनिंग समझती थी राइटर के साथ बैठ के. क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकती कि अगर मुझे बोलना है कि वो मुझे छोड़ के चला गया, तो मैं ये बात हंस के बोल रही हूँ. तो मुझे हर चीज़ का मीनिंग जानना रहता था, और मुझे ये भी पता करना पड़ता था कि सामने से जो जवाब आ रहा है तेलुगु में उसका भी मीनिंग क्या है, ताकि मैं अपने एक्सप्रेशन दे सकूँ. तो मेहनत बहुत होती थी, लेकिन हाँ मैंने सीखी नहीं. बट क्योंकि जब मैं तेलुगु फिल्म्स कर रही थी, मैं 2 साल हैदराबाद में रही थी, तो मेरे जो डोमेस्टिक हेल्प्स वगैरह थे वो सब तेलुगु ही थे, तो मुझे उनके साथ रह रह के थोड़ा सा समझ में आने लग गई थी, कुछ कीवर्ड्स पता चल गए थे. तो कितने लैंग्वेज आपको आते हैं अभी? पंजाबी में मैं फ्लुएंट हूँ, इंग्लिश
ठीक ठाक बोल लेती हूँ, हिंदी मेरी खुद की लैंग्वेज है, और तेलुगू आती नहीं है एक्चुअली, उसको मैं काउंट नहीं कर सकती. नहीं. अभी मैम आप लगभग एक साल से आप यूट्यूब पे हो, तो अभी यूट्यूब की जर्नी आपको कैसी लग रही है और कैसा लग रहा है यूट्यूब की जो ऑडियंस है, जो कम्युनिटी है, आपको कैसी लग रही है? यूट्यूब के बारे में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो ये जनता है ना, जो लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, अगर ये एक बार आपके साथ कनेक्ट हो जाए ना, मैं अभी भी रो सकती हूँ ये चीज़ सोच के, बाय द वे. इतनी लॉयल ऑडियंस होती है अगर वो आपके साथ एक बार, स्पेशली पीपल हु व्लॉग, जो अपनी डेली रूटीन के साथ शूट करते हैं, जो कि मैं करती हूँ, तो जब वो लोग आपके साथ एक बार कनेक्ट हो जाते हैं ना, वो आपके अच्छे बुरे में आपके साथ होते हैं. जैसे अभी रेगुलर वीडियोस डालती हूँ, त्यौहार आया, वीडियो नहीं डाल पाई, तो पीपल विल मैसेज मी, आस्क मी कि क्या हुआ, आपने दिवाली पे वीडियो क्यों नहीं डाला, दीदी आप ठीक हो ना? तो मतलब वो चीज़ कहाँ मिलती है, वो चीज़ नहीं मिलती, मूवीज में नहीं मिलती. हाँ, मतलब मूवीज़ में हो सकता है लोगों, हाँ मूवीज़ में नहीं मिलती है किसी को, वो उनके लिए स्टार्स हैं, उनको ठीक है साल में एक मूवी आएगी या दो मूवी आएगी, बट यूट्यूब पे जो लोग हैं ना, वो आपको इतना बना सकते हैं, आपके साथ इतना कनेक्ट हो सकते हैं कि वो एक्चुअली आपको फैमिली फील देते हैं. तो अभी आप ट्रैवल व्लॉग्स भी करते हो, लाइक आप काफ़ी जगह पर ट्रैवल भी करते हो, तो एक्सपेंस कैसे मैनेज कर रहे हो आप अभी? अब आप आए धीरे धीरे, अब आप जाओगे उस पॉइंट की तरफ कि मैं कितना कमाती हूँ. मैंने आपकी पुरानी वीडियोस देखी हैं. आपका डायलॉग थोड़ा अलग होने वाला है. ओके. तो अभी जो एक्सपेंसेस हैं ऐसे है कि कैसे बताऊँ, मतलब मैं अब यूट्यूब से ठीक ठाक कमा लेती हूँ, ठीक है, तो यूट्यूब के पैसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ट्रैवल पर लगा दूँ. और बाकी आई एम मैरिड, तो मेरे हस्बैंड और मैं मिल के सब कर लेते हैं. प्लस मैं जब एक्टर थी तो मैंने अच्छा खासा कमाया था, क्योंकि एक्टिंग जॉब में जब आप ऐड भी करते हो तो एक ऐड का भी बजट आपका एक दिन अच्छा का 1-1 लाख रुपया आप आराम से कमाते हो सिर्फ एक दिन का शूट करने का. तो मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, तो वो सेविंग्स जो है मैं अब आगे चला रही हूँ. और यूट्यूब का मैंने सोचा हुआ है कि यूट्यूब से मैं जितना भी हर महीने कमाती हूँ वो मैं यूट्यूब पे ही लगा देती हूँ, चाहे वो शॉपिंग हॉल्स करने के लिए शॉपिंग हो, ट्रैवल हो. तो अच्छा, मैम ने अभी बताया कि वो मेरी वीडियोस भी इन्होंने देखा हुआ है, तो मैम पहले आपने देखा था कि जब मैंने आपको कांटेक्ट किया उसके बाद? नहीं, जब आपने मुझे कांटेक्ट किया तो ऑब्वियसली बिफोर सेइंग यस टू यू मुझे ये जानना था कि आप किस तरह की वीडियोस बनाते हो, आप किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हो, कि सिर्फ टाइम पास वाला ही इंटरव्यू होता है कि हाँ बस फन कर लो बैठ के किसी के साथ, या फिर एक्चुअली आप मेरी स्टोरी जानना चाहते हो. तो जब मैंने वो चीज़ें देखी मुझे बहुत अच्छा लगा. वहीं से मुझे पता चला कि आप ना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा, आप कितना कमाते हो यूट्यूब से. थैंक यू सो मच मैम. वैसे आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है, यूट्यूब भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप, तो कितना कमाते हो आप? मुझे पूछना नहीं चाहिए था, बट अभी आपने बीच में ला दिया तो मैंने सोचा अच्छा, कि पूछ लेता हूँ. नहीं ठीक है, आई डोंट माइंड शेयरिंग. तो कमाने का एक्चुअली इट्स लाइक कुछ फिक्स तो होता नहीं, आप खुद एक यूट्यूबर हो, आपको पता है जितने यूट्यूब पे तो बिल्कुल कुछ भी फिक्स नहीं है. इंस्टाग्राम की जहाँ तक बात करूँ, येस दैट इज़ माई मेन सोर्स ऑफ इनकम. तो वो भी डिपेंड करता है मेरे पास कितनी ब्रांड डील्स आई हैं. कई बार किसी महीने मेरे पास 6 ब्रांड डील्स आएंगी और मेरे को शायद 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया दे जाएंगी महीने का. बट किसी किसी महीने ऐसा भी होता है कि मेरे पास सिर्फ 2 ही ब्रांड डील्स आई या फिर कोई भी ब्रांड डील नहीं आई. तो कई बार कुछ तो है. आपको यूट्यूब पूरा जो इकोसिस्टम कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यूट्यूब ना? आप सैटिस्फाई हो? मैं, मुझे ऐसा लगता है मैंने आज तक लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं. मैं 9 to 6 जॉब में रही हूँ, मैंने टीचिंग करी है, मैंने वीज़ास करे हैं, मैंने मेकअप भी एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी कुछ टाइम के लिए काम किया है, और एक्टिंग भी की है, और अब मैं यूट्यूब पे हूँ. मैंने बीच में एक बिज़नेस भी स्टार्ट किया था छोटा सा. तो कहीं पर भी किसी भी प्रोफेशन में मुझे ऐसा नहीं लगा था कि यार दिस इज़ इट, दिस इज़ मी, ये मैं करना चाहती हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी. यूट्यूब पर आके वो फीलिंग मैंने पहली बार एक्सपीरियंस की लाइफ में, कि ये फीलिंग क्या होती है जब आप बहुत सेटिस्फाइड फील करते हो कि आप जो अपने काम के साथ जो आप कर रहे हो. सो यूट्यूब पे आके मुझे ये फील हुआ कि दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. तो आपने इतनी सारी चीज़ें स्विच करी, तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं जो अभी नेक्स्ट स्टेप करने जा रही हूँ तो सही है मेरे लिए कि कैसा होगा? कभी आपको डर लगा ऐसा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा. और आई थिंक जिनको डर लगता है वो इतने स्विच करते भी नहीं है, वो अपनी पूरी लाइफ एक ही चीज़ में निकाल देते हैं, चाहे वो खुश हैं उस चीज़ के साथ या नहीं है. बट मैं हमेशा से रिस्क लेने वाली एक लड़की रही हूँ, तो अगर मुझे किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया है. मैंने 2 बार सोचा ही नहीं उसके बारे में. अगर ये चीज़ मुझे खुशी पहले दे रही थी, अब नहीं दे रही है, छोड़ना है, रातों रात छोड़ दिया उस काम को. ओके, वेरी नाइस. कभी आपको ऐसा डीमोटिवेटिंग सा फील हुआ कि यार
लाइफ से बहुत परेशान हुआ, अभी क्या करूँ, ऐसा कुछ हुआ आपके लाइफ? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पर हाँ, एक बार ये वाले लेवल पे नहीं आया था कि अब मैं लाइफ के साथ क्या करूँ, बट मैंने एक फिल्म की थी फुल्लू, जो अभी नेटफ्लिक्स पे भी है। तो जब वो फिल्म मैं शूट कर रही थी और जब वो फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, तो मैंने अपनी एक्चुअली लाइफ में ना कभी किसी भी चीज़ से, अपनी या किसी भी चीज़ से लाइफ में ज़्यादा उम्मीदें नहीं पाली हैं। वो एक ऐसी फिल्म थी जिससे ना मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर ली थी, तो वो जब बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल नहीं कर पाई, तो आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस टाइम कि जब फुल्लू ने अच्छा नहीं किया बॉक्स ऑफिस पे, फिल्म की सराहना बहुत हुई, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली। वो एक टाइम, वो एक फेज था लाइफ में जब मुझे ऐसा लगा कि यार अब क्या, दैट्स द ओनली टाइम। अदरवाइज इन माई एंटायर लाइफ आई हैव नेवर फेल्ट डीमोटिवेटेड, मुझे कोई चीज़ डीमोटिवेट नहीं कर सकती। सुन के अच्छा लगा मैम, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही आपकी। अच्छा मैम, अब आते हैं आपके यूट्यूब के, जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो यूट्यूब के लिए, क्या क्या आप यूज़ करते हो? मेरे पास जो मेन मेरा व्लॉगिंग का कैमरा है वो है G7X Mark II कैनन का, और उसी कैमरा को मैं इस्तेमाल करती हूँ अगर कभी सिट डाउन वाली वीडियोज़ भी ऐसी हो, जैसे अगर कभी ऐसे भी बातचीत वाली वीडियोज़ करनी है तो उसी कैमरा से मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास फ़ोटोज़ खींचने के लिए, कभी मुझे इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ खींचनी है और ख़ुद से खिंचवानी है, फ़ोटोग्राफ़र नहीं हायर करना है, तो मेरे पास एक कैनन का 1300D है, उससे फ़ोटोज़ खिंचवा लेती हूँ अपने हस्बैंड से ही। और उसके अलावा मेरे पास एक दो ट्राइपॉड्स हैं, एक व्लॉगिंग के लिए और एक इस तरीके से बैठ के बात करने के लिए। ओके, तो कोई माइक वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। G7X Mark II जो है वो माइक नहीं लगता है, उसमें माइक लगता नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, दैट्स द बेस्ट कैमरा आई कुड बाय। तो आप ट्रैवल जब करने जाते हो तो अकेले जाते हो या फिर आप अपने हस्बैंड के साथ या फिर कोई फ्रेंड्स? मतलब जो भी तैयार हो जाता है। ओके, अब मतलब अगर आप अकेले कभी आपने ट्रैवल किया? अकेले मैंने नहीं किया है, वो मेरा बकेट लिस्ट में है, मुझे करना ही करना है सोलो ट्रैवल। मैं बहुत जल्दी प्लान कर रही हूँ कि मैं एक महीने के लिए अकेले सोलो ट्रैवलिंग के लिए निकलूंगी और मैं 2 या 3 स्टेट्स कवर करूँगी, बट वो अभी तक नहीं किया है। मैं कभी अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करती हूँ, कभी मेरा एक फ्रेंड है US से, वो हर साल मुंबई आता है तो उसके साथ ट्रिप करती हूँ, और एक मेरी फ्रेंड वृति है, अभी मैं केरला उसके साथ गई थी। हाँ, मैंने तो मैं कोई भी, जो भी मिल जाता है, जो भी हाँ कर देता है मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए, मुझे सिर्फ कंपनी चाहिए होती है, मैं चली जाती हूँ। तो ट्रैवल करने में आपको चैलेंजिंग क्या लगता है? चैलेंजिंग कुछ नहीं लगता, आई लव एवरी बिट ऑफ इट, इट्स जस्ट दैट जब कुछ दिन निकल जाते हैं और बीच बीच में मुझे ऐसे लगता है कि यार मैं एवरी डे व्लॉगिंग ओनली, तो मैं इन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ शायद उतना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर मैं 8 दिन के लिए ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं 3 दिन व्लॉग करूँगी, 1 दिन बिल्कुल ब्रेक ले लूँगी, उस दिन मैं सिर्फ इन्जॉय करूँगी, रिलैक्स करूँगी और फिर 3 दिन व्लॉग करूँगी, तो बैलेंस क्रिएट करती हूँ तो अच्छा लगता है। तो ऐसा पब्लिक में जब आप व्लॉग करते हो तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? स्टार्टिंग में मुझे बहुत अजीब लगता था, स्टार्टिंग में 1-2 वीडियोस में ही मुझे ऐसा लगा कि यार शिट, सब लोग देख रहे हैं, और लोग देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कि मतलब तार तार हो जाओ आप, कि मतलब जैसे मैंने क्या किसी को मार कत्ल कर दिया है मैंने किसी का। तो स्पेशली आंटियाँ और जो थोड़े से बुजुर्ग लोग होते हैं ना, आंटी अंकल ये सब, ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से देखते हैं। तो बट 1-2 वीडियोस के बाद ही मैंने, आई थिंक मेरे हस्बैंड ने मुझे ये टिप दी थी कि ज्योति बस भूल जा कि तेरे आसपास कोई एग्जिस्ट भी करता है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता, सोच तू बस अकेली है यहाँ पे, और वो चीज़ मैंने अपनाई और क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि भाई मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूँ लेकिन लोग देखते हैं तो अभी क्या करें, उससे कैसे, उस डर को कैसे भगाएं। तो वही करना है कि आप समझो कि आप कैमरे में बात कर रहे हो और लोगों से बातें कर रहे हो, आपके आसपास कोई नहीं है। इतनी सारी चीज़ें करी हैं, मूवीज़ करी, यूट्यूब अभी आप कर रहे हो, तो आपने कभी सोचा था कि मैं आपका इंटरव्यू करूँगा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप मेरा इंटरव्यू नहीं, ऑब्वियसली मतलब एक बात बताती हूँ, जोक्स अपार्ट, मैंने यही नहीं सोचा था कि YouTube के मेरे करियर में इतने जल्दी एक स्टेज मेरी आएगी जहाँ पे कोई मेरा इंटरव्यू लेना चाहे। ऑब्वियसली मतलब मेरी लाइफ की जो स्टोरी है, मेरी YouTube की जो जर्नी है, वो एक ऐसे चैनल पे आने लायक है जहाँ पे आप सिर्फ इंस्पायरिंग स्टोरीज डालते हो, तो वो डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत सक्सेस मैं मानूंगी और एक मोटिवेशन फैक्टर है। इनफैक्ट आज मैं ब्लॉग कर रही थी तो मैंने उसमें भी बोला कि व्हाट मेड मी हैप्पी व्हेन यू कॉन्टैक्टेड मी वाज दैट के
थैंक गॉड पीपल आर कनेक्टिंग विद मी, उनको लग रहा है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ, तो आई थैंक यू सो मच. एंड आपको भी थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए. एंड आई फील जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मुझे जहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ, एंड ये मैं जिंदगी भर करता रहूँगा. बहुत अच्छी बात. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बातचीत करना, फिर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाना. अच्छा मैम, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आपके लाइफ में भी होंगे, तो आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड कैसे रखते हो, क्या ऐसी चीज़ें करते हो? आई थिंक जब भी मेरी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे लगा कि यार ये क्या हो गया यार, तो आई थिंक मैंने हमेशा जो मेरे साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है. कि जैसे मान लो कोई किसी चीज़ में मैं फ़ेल हो गई, जैसे मैंने बताया मैंने छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसमें मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी और मुझे लग रहा था कि ये तो अच्छा रहेगा. व्हेन इट डिडंट वर्क आउट तो मैं उस चीज़ पे हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई उस चीज़ पे. मैंने ये सोचा कि यार मैं मेरी माँ ने और मेरे ऊपर भगवान ने ऊपर वाले ने मेरे अंदर इतने टैलेंट्स डाले हैं कि मैं कभी भूखी नहीं मरूंगी. तो ये चीज़ जो ये लाइन है वो मैं अपने आप को टाइम टाइम पे बताती रहती हूँ कि ज्योति तेरे अंदर इतना टैलेंट है कि तुझे ऊपर वाला कभी भी भूखा नहीं मरने देगा, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी. सो दैट रियली कीप्स मी गोइंग. इट इज़ वेरी देसी लाइन बट दिस रियली वर्क्स फॉर मी कि मैं कभी भूखी नहीं मरूंगी, इतने टैलेंट्स हैं मेरे अंदर. अच्छा मैम चलो अभी आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा. आपको अभी लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो आप किसको फॉलो करते हो, लाइक आपके आइडियल कौन है? मेरे आइडल मेरे अकाउंट में भी लिखा हुआ है, वैसे अगर इंस्टाग्राम देखोगे ध्यान से तो मेरी बायो में लिखा है आई एम अ फैन ऑफ गुरदास मान साहब. आप जानते हो उन्हें? जी. तो मैं गुरदास मान जी की बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ. फैन इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड. मैं वो मेरे आइडल हैं एक्चुअली. द वे ही हैज़ लिव्ड हिज लाइफ, उनके प्रिंसिपल्स, उनके जो उनकी जैसी लाइफ रही है वो मैं बहुत उनको फॉलो करती हूँ और उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. उनसे मैं एक दो बार पर्सनली भी मिली हूँ और मिली हूँ तो पागल हो गई हूँ, लिटरली ज़मीन पे ही लेट गई हूँ पागल हो के. बट या ही इज़ माय आइडल. तो थैंक यू सो मच मैम इतना टाइम देने के लिए और इतना वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए मेरी ऑडियंस को. गाइस मैम ब्लॉगिंग कर रही हैं तो आप इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा. एंड मैम काफ़ी अच्छा कर रही हैं एंड मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ इनके वीडियोस से, तो मैंने सोचा कि इनको कॉन्टैक्ट करते हैं. एंड फाइनली आज जो दिन है कि आप लोगों के सामने वीडियो मिल रहा है, तो प्लीज़ चेकआउट करो मैम के चैनल को. इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक डाला हुआ है और मुझे भी थोड़ा बहुत फॉलो कर लेना. तो ठीक है, और लाइक करना जरूर इस वीडियो को ताकि मैं ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को अपने चैनल पर लाता रहूं आप लोगों के लिए. फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में. तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो.